On day 3, we rode through some unexpectedly beautiful roads of Jharkhand. और उड़ीसा से वेस्ट बंगाल झारखंड होते हुए हम बिहार पहुंच गए थे और बिहार में काफी एंटरटेनिंग एंट्री हुई थी हमारी। Wow. पर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो गई। So if you haven't watched the day 3 vlog, check the suggested video link. This was day 4 और आज हम एंटर करने वाले थे नॉर्थ ईस्ट में। The North East series is on, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Prateek here. This is day 4. तो अभी हम लोग हैं नौगछिया में। कल शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। आज सुबह जल्दी निकलना था, 5 बजे से मैं उठा हुआ हूँ, वेट कर रहा था पर उजाला ही नहीं हुआ था। अभी हो रहा है 6:15, उजाला हो गया है, निकल रहे हैं हम लोग नौगछिया से गुवाहाटी के लिए। It was going to be a long day. To be specific, according to Google Maps, 700 plus kilometers की ride थी and Google Maps was showing 15 plus hours. So we started early at 6:30 a.m. पूर्णिया, सीधा। नौगछिया से पूर्णिया का डिस्टेंस था 70 किलोमीटर एंड गूगल मैप्स सेम डिस्टेंस पिछले दिन शाम को शो कर रहा था 2:45 एंड उस दिन सुबह 1:25। ये होता है सुबह अर्ली स्टार्ट करने का फायदा, ट्रैफिक कम मिलता है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है एंड नो मैटर वेयर यू आर, सनराइज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड दैट डे वी विटनेस द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ऑफ आर नॉर्थ ईस्ट राइड ऑन आर वे टू पूर्णिया। पूर्णिया मेरे लिए नया नहीं था, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया था 2010 इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में अपने बेस्ट फ्रेंड के घर, फिर 2014 में उसी की शादी में दोबारा आना हुआ था। इस बार फ्रेंड तो वह नहीं था बट जस्ट थॉट ऑफ सेइंग हाय टू हिज पेरेंट्स। नहीं अंकल आना नहीं है, मुझे गुवाहाटी पहुँचना है आज। मैं बस आप लोग की शक्ल देखने आ गया, अपनी शक्ल दिखाने आ गया। नहीं मैं सिलीगुड़ी निकल रहा था। चाय वाय पी के नाश्ता जाना है ना, बहुत लेट हो जाएगा, मुझे गुवाहाटी पहुँचना है। कोई दिक्कत, बस पास तुरंत कर देंगे, तुरंत कर देंगे, दो मिनट में नहीं लगे। आ जाओ ऐसे तो बिल्कुल। रितेश की तरह ही बात करते हैं अंकल एकदम। नहीं रितेश मेरा वही फ्रेंड है जो आप लोगों ने देखा हुआ अम्बोली वाले वीडियो में और उसका रिएक्शन बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो यहाँ पर अपना घर है। कैसे हैं आप? अच्छे बताए। देखो अंकल जी ने चाय का पानी चढ़ा भी दिया। तो अंकल के हाथ की चाय पी, आंटी के हाथ के टोस्ट खाए, एक क्विक 20 मिनट का ब्रेकफास्ट ब्रेक लेके हम पूर्णिया से निकल लिए थे आगे सिलीगुड़ी के लिए। ये सिलीगुड़ी का यही रास्ता था ना? पूर्णिया टू सिलीगुड़ी डिस्टेंस था 175 किलोमीटर्स। वी टुक किशनगंज इस्लामपुर रूट एंड किशनगंज के आगे से मस्त एक्सप्रेस वे बना हुआ था। इट टुक अस ओनली 2:45 टू रीच सिलीगुड़ी। थैंक यू भाई। तो सिलीगुड़ी पहुंच गए थे हम लोग 11:15 बजे और अंदर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी 11:55 हो रहा है। एक क्विक मीट देवशीष भाई के साथ में, इन्होंने मेरे साथ में KTO के टाइम पर थे, तो कब से 3 साल बाद अब मिल रहा हूँ। बस ही इज टेकिंग अस आउटसाइड से वो रोड चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके भाई, बाय बाय। हाँ थैंक यू। मस्त लग रहा है ये। ओ
क्या रोड है भाई। सिलीगुड़ी का राइडर्स तो बहुत खुश रहते होंगे, सुबह सुबह बस रोड पर चले आओ। अचानक से घाट सेक्शन शुरू हो गया है। ये राइट ना, ओके। तो सामने से रास्ता निकल गया गंगटॉक के लिए, ये हम लोग निकल गए राइट पे गुवाहाटी के लिए। वेट, एक ये कुछ पीने को है, 10 रुपए का छोटा। वाह, व्यू मस्त लग रहा है। ये कौन सी रिवर बह रही है वो भैया? शिवोक, अच्छा शिवोक नदी। तो इस शिवोक के पास में हम लोग, वो रास्ता निकल गया था उधर टॉक सिक्किम के लिए, इस तरफ निकला है हम लोग गुवाहाटी असम के लिए। 500 किलोमीटर और रह जाता है असम अभी, जो माइलस्टोन पर दिखा रहा है अब समझ में नहीं आ रहा है, माइलस्टोन पर कुछ और दिखा रहा है, गूगल पर कुछ और दिखा रहा है। लेट्स सी, अभी 12:30 बज रहे हैं, सुबह से 300 किलोमीटर कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 6 घंटे में। तो एक क्विक ब्रेक यहाँ पर ले लिया, चाय पी के बस आगे निकल लिए हैं। 12:47 हो रहा है अभी। सिलीगुड़ी के आगे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मैं कभी भी नहीं गया था। एंड शिखा के लिए तो लखनऊ से आगे सब कुछ फर्स्ट टाइम ही था। सो वी वर प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर वॉज जस्ट 200 किलोमीटर्स अवे। रोड्स वर गुड, मौसम भी अच्छा था एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स वॉज फन राइडिंग विद दिस इम्पल्स गाय। हाँ, लंच वंच कर लिया। ये दामली में इसके बारे में माल बजा। हाँ इसको पूछ भैया, अच्छा दादा मैं आता हूँ वाले। अच्छा मेरे को गुवाहाटी जाना है। हाँ एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, आपका एकदम स्ट्रेट गुवाहाटी। किधर भी राइट लेफ्ट नहीं, बस जाते रहो जाते रहो जाते रहो। कितना टाइम लगेगा यहाँ से गुवाहाटी? यहाँ से गुवाहाटी लग जाएगा आपका 6 घंटा। 6 घंटा तो ठीक है, 6-7 घंटा भी ठीक है। 470 किलोमीटर। अरे तू मस्त चला रहा है यार। तो वही मैं सोच रहा हूँ, मैं 100 से 115 चल रहा हूँ, उसके बाद भी आराम से आ रहा है, लगातार मिरर में दिख रहा है पूरे टाइम। 80 ये करिश्मा का इंजन ना। हाँ मैं सोच रहा था ऑल द इम्पल्सिस इन राइट हैंड आर मॉडेड विद करिश्मा इंजन। मेरे को 110 पे कैसे आ रहा है यार ये, आई हैड करिश्मा अर्लियर। चल थैंक्स भाई। लोग 470 किलोमीटर्स मोर। रास्ता कितना भी लंबा हो, इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग इफ यू आर राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। भाई आ गया जो लखनऊ से, लखनऊ हम लोग भी राइडिंग करते हैं। अच्छा थैंक यू सुशांत। हाँ चलिए, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहाँ के लोकल, अलीपुर। अच्छा दिल्ली से हैं? अलीपुर। ओके तो हमारे टाउन के ऊपर से ही जाएंगे आप लोग गुवाहाटी। अच्छा रास्ता कैसा है ना, क्योंकि मैप्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं आ रहा है। इट वॉज अ लॉन्ग डे, 400 किलोमीटर्स के अराउंड हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, पर गुवाहाटी कितना दूर रह गया था ये बहुत कंफ्यूजन था। गुवाहाटी 350 किलोमीटर। पता का पता, देखो गुवाहाटी कितना लिखा है, बताया अभी 321। मोबाइल नेटवर्क था नहीं, गुवाहाटी कितना दूर है ये हमें तो नहीं पता था, और शायद रोड पे ये माइलस्टोन बोर्ड लगाने वालों को भी नहीं। माइलस्टोन्स पर कभी गुवाहाटी 345 तो कभी गुवाहाटी 370, कभी गुवाहाटी 400+। वेल इट वॉज रियली अ लॉन्ग डे एंड लॉन्ग रोड अहेड एंड दैट टू सिंगल लेन। पूरा जंगल का रास्ता चल रहा है यार कब से।
हाँ ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी से सबसे निकले हैं। रोड भी मस्त चल रही है एकदम, रास्ता बहुत ही बढ़िया है। भले ही सिंगल लेन रोड है, बस सिंगल लेन है तो थोड़ा आराम से देख के संभाल के चलानी पड़ रही है। ये देखो ऐसे ऐसे ट्रक वाले और कार वाले आते आते हैं, ट्रक वाले तो फिर भी कम पर कार वाले तो बहुत ही ज़्यादा। ट्रक को कार, कार को और कार ऐसे ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं। बोंगई गाँव 120 किलोमीटर आदिलापुर लेवल, तो अब फोर लेन एक्सप्रेस वे लगने वाला होगा ये बंगाल असम बॉर्डर के पास में है। कौन सी जगह ये? चप्पानी चपोती। ओके, और असम बॉर्डर कितना 15 किलोमीटर आ गया ना यहाँ से। तो ये चप्पानी चपोती पहुंच गए हम लोग, यहाँ से फोर लेन हाईवे लग गया। 280 किलोमीटर करीब गुवाहाटी और रह गए, गूगल मैप्स दिखा रहा है 6 घंटे लगेंगे। अगर रास्ता सही है तो 6 घंटे लगने तो नहीं चाहिए, देखते हैं। अब रास्ता ऐसे अच्छा है, असम बॉर्डर क्रॉस करते हैं। रास्ता सब बढ़िया है ना आगे तक पूरा गुवाहाटी तक। ठीक है, तो क्विक ब्रेक लिया यहाँ पे 10 मिनट का, कोल्ड ड्रिंक और मल्टीग्रेन चिप्स का। चले चलो निकलते हैं। अगेन 10 मिनट का ब्रेक। चंपा चपूती 425 किलोमीटर सुबह से कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 3:40। ये अच्छा, यहाँ पे काफी सारे ट्रैक्स पे यही लिखा हुआ है ओबे ट्रैफिक रूल, तो उस पर भी लिखा हुआ था, इस पर भी लिखा हुआ है ओबे ट्रैफिक रूल। गुड, अच्छा चला रहे हैं यहाँ पे ट्रक वाले। तो ये फोर लेन हाईवे जिसका बहुत देर से इंतजार था, ये स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था पर ये खुशी बहुत ज़्यादा देर रह नहीं पाई। और 272 किलोमीटर में गूगल मैप 6-7 आवर्स क्यों दिखा रहा था इसका आंसर भी हमें जल्दी मिल गया। तो ये सिलीगुड़ी से 170 किलोमीटर बाद ऑलमोस्ट फोर लेन हाईवे स्टार्ट होता है। ये फोर लेन सिर्फ नाम का फोर लेन है, पूरा दूसरी साइड नहीं तो इस साइड हर 100-200 मीटर पे ये तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं या फिर ट्रैफिक डाइवर्जन है। मुझे लगा था कि पूरा फोर लेन है उसके बाद भी 270-280 किलोमीटर में गूगल मैप 6 घंटे क्यों दिखा रहा है, ये रीज़न है। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, ये तो सिंगल लेन से भी बुरा हाल हो गया। तो अब जाके रोड ठीक हुई है, जहाँ से बॉर्डर लगता है वहाँ से 30 किलोमीटर का पैच है, काफ़ी ख़राब है। भूटान दिखा रहा है ऐसे 30 किलोमीटर पे, 508 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग। आरी मतलब पहली बुलेट देखी है मेरे को नॉर्थ ईस्ट में आके, वो भी इस हालत में। ओ व्यू तो मस्त दिख रहा है सामने, वाह। अच्छी दिख लग रही है चाय पीने के लिए। तो यहाँ से गुवाहाटी के 2 रास्ते दिखा रहे हैं, यहाँ पर रुक के चाय पी लेते हैं और पूछ लेते हैं तो क्या सीन है। असम की चाय की बात ही अलग है, बहुत ही टेस्टी चाय। मतलब मैंने अभी तक एटलीस्ट इस साइड पे इससे अच्छी चाय अब तक नहीं पी है। ये चाय बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया बनी। इधर से गुवाहाटी यही वाला रास्ता ना, इधर से ना, और ये वाला भी दिखा रहा है इस पर। हाँ ये दिखा रहा है 160, ये दिखा रहा है 240। तो रोड कौन सी अच्छी है? रोड तो दोनों अच्छा ही है लेकिन सिंगल रास्ता है। अच्छा ये जंगल वाला है। अच्छा हाँ, तो फिर यही वाला हाईवे अपना जा रहा है ना आराम से जा रहे। 15 मिनट्स का ब्रेक और ले लिया, अंधेरा होने लग गया है। 150 किलोमीटर रह गया गुवाहाटी।
गूगल एंटी के एस्टिमेट्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं। सुबह गूगल ने 15 आवर्स दिखाया था, हमें अराउंड 14.5 आवर्स हो चुके थे। पर 720 किलोमीटर राइड करके हम पहुंच चुके थे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी। तो उस दिन रात को 8:30 बजे पहुंच गए हम लोग गुवाहाटी, गिबोन बैकपैकर्स हॉस्टल में हम लोगों ने स्टे किया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहां से आगे नहीं जा पाए क्योंकि बाइक का जो फ्रंट टायर है वो पूरी तरह से जा चुका था। और जब से मैंने रियर टायर बाइक का चेंज करवाया था, टिम्सन के टायर डलवाए थे बालेश्वर में, तब से मैं फ्रंट टायर भी ढूंढ रहा था, पर ऑल ओवर इंडिया मुझे कहीं से भी फ्रंट टायर नहीं मिल रहा था। सो नेक्स्ट वीडियो में बताया गया कि टायर का एक्चुअली क्या जुगाड़ हुआ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तो होप यू गाइज आर एंजॉइंग द नॉर्थ ईस्ट सीरीज जैसी चल रही है अब तक, ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। इफ यू गाइज आर लाइकिंग इट तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट्स बताना कैसा लगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय। लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब।